जास किचन। आज हम बनाएंगे कुटू के आटे की पूरी और सूखी आलू की सब्जी। कुटू के आटे की पूरी और सूखी आलू की सब्जी नवरात्रों के व्रत में खाई जाती है। तो आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो आइए हम बनाते हैं कुटू के आटे की पूरी और आलू की सूखी सब्जी। तो आइए देखते हैं, तो हमें कुटू के आटे की पूरी और आलू की सूखी सब्जी बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। हमने चार बड़े उबले आलू लिए हैं और उन्हें काट लिया है इस साइज में। हमने कुटू का आटा गूंदने के लिए हमने इस साइज के बॉल में कुटू का आटा लिया है। हमने दो बड़े आलू लिए हैं आटे में मैश करने के लिए, उबले हुए दो बड़े आलू लिए हैं। हरा धनिया लिया है, घी लिया है पूरियां तलने के लिए और सब्जी बनाने के लिए देसी घी लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अनारदाना लिया है, अनारदाना है हम एक छोटा चम्मच अनारदाना डालेंगे और एक छोटा चम्मच अजवाइन का पाउडर डालेंगे और एक छोटा चम्मच भुना जीरा डालेंगे और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालिएगा। हमने जीरा लिया है आलू में, आलू की सूखी सब्जी के में को छौंकने के लिए। हमने आटे में डालने के लिए, कुटू के आटे में डालने के लिए हमने अदरक, हरी मिर्च और जीरे का पेस्ट लिया है, नींबू का रस लिया है और काली मिर्च। कुटू के आटे की पूरी बनाने के लिए कुटू का आटा गूंद लेते हैं। उसके लिए हम एक बाउल इस साइज का हमने कुटू का आटा लिया है, हम वो इसमें डाल देते हैं एक बाउल में। और इसमें हम एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक यूज कर रहे हैं, ये व्रत में खाया जाता है सेंधा नमक। एक चम्मच हमने सेंधा नमक डाला, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालिएगा। और हमने एक छोटा चम्मच इसमें हमने अदरक, हरी मिर्च और जीरे का पेस्ट लिया है, ये डाला है। अगर आप हरी मिर्च ज़्यादा पसंद करते तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच अनारदाना पाउडर और एक छोटा चम्मच अजवाइन पाउडर। और हम इसमें इन उबले हुए आलुओं को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे आटे में। कुटू के आटे में हम आलू इसलिए डालते हैं जिससे कि अच्छी तरह से बाइंड हो जाता है और हम जब अपनी पूरियां बनाते हैं तो वो टूटती नहीं। अपना आटा जो है वो पहले आलू के साथ ही गूंदना है, उसके बाद हम बाद में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इसमें थोड़ा सा दो चम्मच घी भी डाल देते हैं। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, थोड़ा पानी डाल के आटे को अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। अब हमारा आटा गूंद चुका है और हम इसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। सेट होता है तब तक हम अपनी आलू की सब्जी बना लेते हैं। तो आइए हम अपनी आलू की सब्जी बनानी शुरू करते हैं। आलू की सब्जी बनाने के लिए हम एक पैन में घी डालेंगे, दो चम्मच देसी घी डालेंगे, आप रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। घी जो है वो गर्म हो गया, हम इसमें जीरा डाल देते हैं, साबुत जीरा। देखिए हमारा जीरा भुन चुका है, हमारा जीरा भुन चुका है। अब हम इसमें आलू डाल देते हैं, हमने जो उबले हुए आलू काटे थे वो हम इसमें डाल देते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
इसको हम मीडियम हीट पे बनाएंगे। अब हम इसमें जीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। अनारदाना पाउडर डालेंगे। ये व्रत में खाया जाता है ये नमक, सेंधा नमक डालेंगे। और हम कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे एक छोटा चम्मच, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हैं आप। मैं एक छोटा चम्मच डाल रही हूँ। कई लोग व्रत में सिर्फ काली मिर्च खाते हैं और कई लोग लाल मिर्च भी खाते हैं। अगर आप खाली काली मिर्च खाते हैं तो आप काली मिर्च डालिए, अगर आप लाल मिर्च खाते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। पांच मिनट तक हम इसको इसी तरह से फ्राई करेंगे। हमारी आलू की सब्जी अब बिल्कुल तैयार है। देखिए अब हम इसमें कुरकुरी आलू की सब्जी करिए। हम इसमें नींबू, एक चम्मच नींबू का रस डाल देते हैं और हम गैस बंद कर देते हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। पूरियों का आटा जो है वो सेट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी का हाथ लगा के हम इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे और फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे। ये हमने ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है। अब हम इसके पेड़े बनाते हैं। कुटे के आटे की पूरी जो है वो हम ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे, नहीं तो ये हमसे बिलेगी नहीं अच्छी तरह से। इस तरह से हम इसके पेड़े बना लेंगे। इस तरह से आप सभी पेड़े बना लेंगे। हमने सूखा आटा लिया है। इस तरह से एक एक लोई को हाथ में लिए पूरियाँ बनाने के लिए हम अपनी घी को गर्म कर लेते हैं। इस तरह से अपने पेड़े को लेके आटे में लगा के हमने कुटू का आटा लिया है, सूखा कुटू का आटा लिया है और हम इसको हल्के हाथ से बेलेंगे। इसको बहुत सावधानी के साथ बेला जाता है वरना इसको फटने का डर रहता है। थोड़ा सा सूखा आटा और लगा लेंगे। तेल देखने के लिए हम थोड़ा सा आटा इसमें डालेंगे। देखिए अब हमारा तेल हो चुका है। अब हमारी पूरी बिल चुकी है। हम इसको धीरे से उठा के घी में डालेंगे। इस तरह से इसे घुमा घुमा के सेक लेंगे। देखिए हमारी पूरी किस तरह से फूल गई है। अब हम इसको पलट देंगे। दोनों तरफ से सेक लेंगे। ये सिक चुकी है। हम इसको इसके तेल को जो है हम वो निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा तेल जो है इसमें या घी जो है, एक्स्ट्रा घी या तेल है उसे निकाल लीजिए। और एक
टिश्यू पेपर रख के प्लेट में रख लीजिए। इस तरह से हम दूसरी पूरी भी बनाते हैं। सभी पूरियों को बेल लीजिए और घी में तल लीजिए। देखिए हमारी पूरी फूल गई है। हम इसको तेल से बाहर निकाल लेते हैं। हम इसे थोड़ा ऐसे रखेंगे जैसे कि हमारा एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए, ऑयल या घी जो भी है वो निकल जाए। फ्रेंड्स, हमारा व्रत का खाना जो है वो तैयार है। सूखी आलू की सब्जी और टेस्टी कुटू के आटे की पूरियाँ तैयार हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मुझे थम्स अप करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।